नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक तरफ आरजेडी ने जहां बैक टू बैक तमाम जो अलग अलग प्रकोष्ठ हैं पार्टी के उसकी बैठकें ली हैं, तो दूसरी तरफ लोजपा ने भी अब 2020 के लिए लोजपा का मैनिफेस्टो कैसा होगा उसके लिए एक टीम का ऐलान किया है, और ये टीम जो है वो चिराग पासवान के नेतृत्व में काम करेगी। तो चलिए, चिराग पासवान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है मेरे ठीक पीछे खुला हुआ, और इसमें चिराग पासवान ने लिखा है कि लोजपा ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 के तहत 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ है। जल्द लोजपा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 के तहत अपना घोषणा पत्र लाएगी। यह घोषणा पत्र सीधा जनता से गाँव स्तर पर संवाद कर बनाया जाएगा। उसके बाद चिराग पासवान ने ये जो पूरी लिस्ट है जिसमें कुल 7 लोग हैं उनका नाम है, तो ये वही ऊपर की जो लाइन है उसमें लिखा गया, प्रिय साथी, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हुए बिहार प्रदेश कार्य समिति लोजपा जनशक्ति पार्टी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 बनाने का निर्णय लिया है, जिसके संदर्भ में पार्टी के 7 संसदीय जो ड्राफ्टिंग कमेटी का है वो गठन किया गया, जो निम्नलिखित है उसमें चिराग पासवान सबसे ऊपर हैं, उसके बाद हैं अब्दुल खालिद सदस्य हैं, उसके बाद प्रिंस राज सदस्य हैं, एसके वाजपेयी जो हैं वो सदस्य हैं, सौरभ पांडे सदस्य हैं, शहनवाज कैफी सदस्य हैं और राजू तिवारी सदस्य हैं। कुल 7 लोग हैं और इन 7 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है ये बनाने के लिए कि वो ये तय करें कि जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो उनकी पार्टी के ने जो एक नया नारा दिया है बिहार के लिए, उसके तहत बिहार का विजन डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र 2020 कैसा होगा, उसमें क्या वायदे करेंगे। चिराग पासवान यानी कि जो LJP है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। फिलहाल की अगर बात करें तो उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है कि वो बिहार भर में जो बिहार फर्स्ट यात्रा है वो निकालेंगे ताकि बिहार के लोगों के बीच जा पाएँ, उनकी समस्याओं को समझ पाएँ और उसमें किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन हो पाए, यानी कि उनका जो घोषणा पत्र है वो किस तरीके से बन पाए, इन तमाम चीज़ों को इसके सहारे बताने की जो पूरी कोशिश है वो की जाएगी, और चिराग पासवान ने इसका ऐलान किया है। तो आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो हैं वो 2 अक्टूबर में माने जा रहे हैं कि होंगे, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद अब पूरा फोकस बिहार पर है, और चिराग पासवान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उस कमेटी का ऐलान कर दिया है जो कि घोषणा पत्र बनाएगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।